नमस्कार, बोल किलाब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। किसी परम ज्ञानी ने बहुत काम की बात कही है कि बीजेपी इक्वल टू काउ प्लस कांग्रेस। अब हम एक कदम आगे जाके कहना चाहेंगे कि गौ भक्ति इक्वल्स टू देशभक्ति, क्योंकि भैया आप देशभक्ति करें ना करें मगर गौ भक्ति जरूर करें। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल किलब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। हम आपसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में थे और मथुरा में उन्होंने कही एक बहुत काम की बात। उन्होंने कहा कि ओम सुनकर और गाय का नाम सुनकर कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने पहले आप खुद सुनिए। कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ओम की बात करना चाहते हैं। ओम को अगर हम हिंदू धर्म से भी जोड़कर देख लें तो ओम शब्द से किसी को आपत्ति नहीं है। जी हां, हम आपको बता दें कि मेरे जैसा भगवान से डरने वाला शिव भक्त, मुझे भी देश विरोधी, हिंदू विरोधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं सरकार से सवाल करता हूं। और रही बात गाय की, तो गाय को लेकर मैं आपके सामने तीन तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। एक तरफ अखलाक, बीच में पहलू जिसके हत्यारे साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे जब उसे मारा जा रहा था, और तीसरी तरफ आपकी गंदगी साफ करने वाले ये लोग, ऊना में किस तरह से इन्हें अधनंगा करके पीटा गया, मारा गया। और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि गाय को लेकर कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, ओम और गाय, ये दोनों ही शब्द हमारे देश में बहुत संवेदनशील हैं। प्रधानमंत्री को इसके उलट कहना चाहिए था। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री किस तरह से अपने ही शब्द भूल गए हैं कुछ देर बाद, मगर उससे पहले इन चीजों पर गौर कीजिए। दोस्तों, दिक्कत ओम और गाय से नहीं है, दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। मुद्दा नंबर एक दिक्कत है गाय के नाम पर हिंसा, जिसकी मिसालें हम आपको दे चुके हैं। दिक्कत है गाय के नाम पर सियासत, क्योंकि अगर पिछले 5 सालों ने कुछ साबित किया है, या ये कहा जाए 5 साल और 100 दिनों ने कुछ साबित किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने छप्पर फाड़ सियासत की है गाय पर। दिक्कत है गाय के नाम पर दकियानूसी बातें। जी हां, जब आपके ही स्वास्थ्य मंत्री ये कहें कि गाय के मूत्र से हम कैंसर का इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जी हां, ये बयान एक तो अनसाइंटिफिक है, नंबर एक। नंबर दो, कहीं ना कहीं ये तौहीन है उन तमाम परिवारों की, एक मजाक है उन तमाम परिवारों के साथ जो लोग, जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को गवा दिया कैंसर के हाथों। क्योंकि इस देश में एक बहुत लंबी परंपरा रही है, गाय और उससे जुड़ी जो तमाम मेडिसिंस हैं, और अगर वाकई गौमूत्र में ऐसी कोई चमत्कारी क्वालिटीज होती तो अब तक ये सामने आ जाती। दोस्तों, मुझे आपत्ति है इस समाज के, इस देश के और इस सरकार के दोहरे मापदंड पर। एक तरफ तो हम बात करते हैं गाय की, मगर दूसरी तरफ ये आंकड़ा हमारे सामने मुंह बाहे खड़ा है। और ये आंकड़ा क्या है? ये आंकड़ा ये बताता है कि बीफ एक्सपोर्ट्स में हमारा स्थान पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है, हमारे ऊपर सिर्फ ब्राजील है। और ब्राजील ने हाल ही के दिनों में हमें अपदस्थ किया है, वरना कुछ सालों पहले, यानी कि 2 या 3 साल पहले, हम नंबर वन थे। दोहरे मापदंड ये हैं। दोहरे मापदंड आपको क्या है मैं आपको बताता हूं। दिक्कत ये नहीं है कि लोग गाय की इज्जत नहीं करते हैं, दिक्कत क्या है कि जो लोग गाय के ठेकेदार हैं वो इन दो तस्वीरों पर गौर नहीं करते। तस्वीर नंबर एक, किस तरह से गाय आवारा घूमती रहती है और प्लास्टिक खाती रहती है, क्योंकि कितने ही ऐसे वीडियो सामने उभर कर आए हैं जिसमें गाय के पेट से किलो किलो भर के प्लास्टिक निकला है। मुद्दा नंबर दो,
दिक्कत ये नहीं कि गाय की इज्जत नहीं होती है, दिक्कत ये कि आवारा घूमती गाय किसानों के जी का जंजाल बनी हुई है, किसानों की दुश्मन तक बन गई है, दिक्कत ये है। और समस्या क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2016 से 2019 के बीच 44 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है गौ रक्षा के नाम पर। यह आंकड़ा किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच का है और इसकी तस्दीक खुद भारत सरकार के कई आंकड़े करते हैं। पिछले 5 सालों में भारत बदनाम हुआ है इस एक बड़े मुद्दे की वजह से, यानी कि मॉब लिंचिंग। और क्या आप जानते हैं कि मॉब लिंचिंग के 2 कारण हैं? पहला बड़ा कारण गौ रक्षा, दूसरा बड़ा कारण बच्चा चोरी को लेकर अफवाहें। और क्या आप जानते हैं कि मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार तल्ख तेवर अपनाता रहा है मगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ ही हफ्तों पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि उन्होंने भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग पर काबू पाने के लिए क्या किया है। और यह किस लिए कहा था उन्होंने दोस्तों? क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस याचिका के बाद आया है जिसमें केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को पालन न करने का आरोप लगाया गया था। और यही नहीं, 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 11 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए थे। वो कौन से 11 सूत्र हैं? उनमें से आपको हम अहम 6 या 7 सूत्र पढ़कर सुनाना चाहेंगे। राज्य सरकार हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी नियुक्त करे ताकि हिंसा या मॉब लिंचिंग जैसी घटना ना हो। राज्य सरकार उन गांवों, जिलों और संभागों की पहचान करे जहां मॉब लिंचिंग की घटना हुई हो। जिलों में आपसी तालमेल और रणनीति को लेकर क्या काम हो रहा है ये जानकारी नोडल ऑफिसर्स राज्य के DGP को मुहैया कराएं। ये हर पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य होगा कि वो उस भीड़ को एक जगह जमा ना होने दे जो मॉब लिंचिंग या कानून अपने हाथ में ले सकती है। ये केंद्र और राज्य सरकार को दायित्व होगा कि वो TV और समाचार माध्यमों के जरिए ये संदेश दें कि मॉब लिंचिंग के गंभीर परिणाम होंगे। सोशल मीडिया में भड़काऊ और आग लगाने वाले संदेशों और वीडियोस पर काबू, ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित FIR। और 7वां और अहम बात, पीड़ित के परिवार वालों को और परेशान न किया जाए, यातना न दी जाए। बावजूद इन तमाम खामियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि गाय और ओम का नाम सुन के कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, शायद आप भूल गए अब से कुछ महीनों पहले आपने खुद ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। जी हां मोदी जी, हकीकत यही है कि गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं। गौ रक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों, दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है। गौ रक्षा के नाम पर देश की साख पर भट्टा बिठाया जा रहा है, हकीकत यह है। और चूंकि हम बात कर रहे थे मॉब लिंचिंग की, तो अब हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा पेश करने वाला है जो हम सबको शर्मसार कर रहा है और एक ऐसा मुद्दा जो कि पहले पन्ने की सुर्खी पर होना चाहिए मगर उसे दबा दिया गया। विडंबना यह है कि यह खबर आई है टाइम्स नाउ के हवाले से। जी हां, टाइम्स नाउ ने अपनी इस खबर में क्या कहा है तबरेज अंसारी की मौत पर। आपको पता होगा कि राज्य सरकार ने यह दावा किया था कि तबरेज अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई, दिल का दौरा पड़ने से हुई, और इसी के चलते उन्होंने तमाम आरोपियों को बरी कर दिया। अब टाइम्स नाउ की यह पड़ताल क्या कह रही है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। पहली बात, डॉक्टर्स कहते हैं कि हत्या हुई है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि पुलिस ने मामला दबाया। तीसरी बात, जांच में सामने आया है कि आंतरिक चोटें थीं जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ होगा। और चौथी बात, डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी पड़ताल को गलत ढंग से पेश किया गया, यानी कि मिस रिप्रेजेंट किया गया। सच तो यह है कि झारखंड पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर बदनाम होता रहा है, मॉब लिंचिंग को लेकर। इसीलिए मुझे हैरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2016 से अब तक कम से कम 18 मौतें मॉब लिंचिंग से हुई हैं। कुछ नाम सुनना चाहेंगे आप? 18 मार्च 2016 को मालू अंसारी और इम्तियाज खान ने अपनी जानें गंवा दी। 18 मई 2017 को 6 लोगों की मौतें हुई सिर्फ जमशेदपुर में।
27 जून 2017 को अलीमुद्दीन अंसारी की मौत हुई, उसे बुरी तरह से मारा गया। 19 अगस्त 2017 को मुर्तजा अंसारी और रमेश मिंस को बुरी तरह से एक मॉब ने गोड्डा जिले में मार दिया। मामला था कथित लव जिहाद का। 9 नवंबर 2018 को वकील खान को पलामू में एक भीड़ ने मार दिया। उसी तरह से 10 अप्रैल को प्रकाश लकड़ा को लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। और होता क्या है कि इनमें से एक व्यक्ति जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके हत्यारों को सम्मानित कोई और नहीं बल्कि ये सज्जन हार्वर्ड रिटर्न्ड सांसद और पूर्व मंत्री जयंत सिन्हा करते हैं। यही वजह है दोस्तों कि झारखंड का ये हॉल ऑफ शेम हम सबको आईना दिखा रहा है, इस देश को आईना दिखा रहा है और हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। त्रासदी है दोस्तों कि हम असल मुद्दे से जब ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, मसलन अगर हम ये कहेंगे कि गाय के नाम पर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं या बाल खड़े हो जाते हैं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि गाय कहीं ना कहीं आतंक और परेशानी का सबब बन गया है कई लोगों के लिए, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें हैं। मुद्दा यह भी है कि जब माइनॉरिटीज की बात आती है, दलितों की बात आती है, तब इंसाफ की लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है, जैसा कि तबरेज अंसारी के मामले में दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या ये मुद्दे उठाने जायज नहीं है? तो बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। आप सबसे मेरी अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.